कौन? ये सब? इन सब के जन्म कुंडली मेरे पास है। डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रतिभाशाली नौजवानों को नौकरी न देकर अपने रिश्तेदार और घूसखोरों के गुलाम बनकर न जाने कितने ही बेरोजगारों का उज्जवल भविष्य मिटाने वाले कमीने हो तुम। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिसर, प्रायोरिटी के हिसाब से जिन्हें नौकरी मिलनी चाहिए उनकी उम्र पूरी हो रही है, ये जान के भी परवाह किए बिना रिश्वत की लालच में जो लायक नहीं ऐसे लोगों को नौकरी देने वाले स्काउंडल हो तुम। जिला परिषद चेयरमैन, अध्यापकों की कई पोस्ट खाली पड़ी हैं, फिर भी उन्हें भरे बिना निरक्षरता और बेरोजगारी को जानबूझकर बढ़ावा देने वाले भेड़िए हो तुम। पुलिस रिक्रूटिंग अथॉरिटी, पेट भर घूस खाके पेट बाहर छाती अंदर वाले नालायकों को सेलेक्ट करके जाबाज फर्ज के लिए मर मिटने वाले नौजवानों को न सिर्फ हटाया बल्कि पूरी पुलिस फोर्स को खोखला करने वाले दीमक हो तुम। आज के इस समाज में हम जैसे पढ़े लिखे नौजवान निराश होकर घूम रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? तुम जैसे नीच दरिंदे। धूप सर पे चढ़ गया है, अभी तक कराटे ले रहा है, कहाँ है मेरी लाठी? अरे उसे मत मारिए दादी माँ, रात को बहुत देर से सोया है, उसे सोने दीजिए ना। देर से क्यों आता है? कलेक्टर की नौकरी कर रहा है, तुम कुछ नहीं जानते, हट जाओ। तुझे तो आज इसकी मैं छुट्टी कर दूंगी। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं बड़े भैया, देखो दादी मुझे मार रही है, रोकना उन्हें। दादी माँ रुको रुको रुको, क्यों मार रही हूँ छोटे को? अरे तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के लाड प्यार के वजह से ये आवारा बन गया है। आवारा आवारा तो रुको ना, रुको रुको, दोपहर तक सोते रहने में घर का ही नहीं देश का भी फायदा होता है, जानती हो? देश का और नहीं तो क्या, मुझ जैसे नौजवान नौकरी ना मिलने की वजह से स्ट्राइक करके बसों को जलाते हैं ना। अब ऐसा कुछ भी किए बिना युवा पीढ़ी के दोपहर तक सोने से देश में कितनी शांति है। जरा बताना बेटा। यही नहीं, जिसकी एक पैसे की आमदनी नहीं वो तीन वक्त की रोटी तोड़े तो कितना खर्च होता है, इसीलिए आधी रात में आके दोपहर तक सोता रहता हूँ। इसी वजह से रात का खाना सुबह का नाश्ता सब कुछ बच जाता है ना भैया? बड़े भैया की बात ले लो, ये ठहरे मिडिल क्लास आदमी, बहुत सारे बोझ और जिम्मेदारियां, इसलिए इन्हें सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है। और सीता मैया की तरह मेरी भाभी हैं, पूरे घर का काम अकेले करने के लिए इन्हें सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है। और ये रहे छोटे भैया, देखो इस घर की किताबी कीड़े, आइए इसकी तैयारी के लिए इन्हें भी सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करनी पड़ती है। और ये हमारे नन्हे मुन्ने, होमवर्क करके स्कूल जाना पड़ता है तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। अब तुम्हारा और मेरा क्या काम है? मेरी बात मानो दादी माँ, तुम भी मेरे साथ चलो, आधी रात तक घूमेंगे फिरेंगे, देर से सोएंगे और दोपहर को उठेंगे, तो घर का खर्चा भी बचेगा और मेरा तो दिमाग चाटती है वो। मैं तेरा दिमाग चाटती हूँ? छोटे भैया गरम पानी तैयार है, नहा लो। मार क्यों रही हो? तेरे इतने भाव हो गए? क्यों? भाभी से काम करवाता है, पानी भरना गरम करना। दूंगा सख्त हाथ की मार पड़ेगी, जो काम तुम्हें करना चाहिए वो भाभी करती है, पर तुम पे तरस खा के मैं चुप बैठता हूँ और मुझे ही डांटती है। वैसे इस उम्र में तुम्हें क्या करना चाहिए पता है? क्या करना चाहिए? मेरी सेवा करनी चाहिए। क्या? दादाजी की तो कभी सेवा नहीं की, मेरी सेवा करोगी तो भगवान तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल देंगे। अच्छा तू सच कह रहा है? हाँ खोल देगा। चलो पीठ रख लो बेटा रघु, घर बेचने का ही फैसला कर लिया है? और कोई चारा भी तो नहीं दादी माँ? हाँ जो कर्जा है उसे चुकाने के लिए घर ही नहीं पूरा मोहल्ला बेच दोगे तो भी काफी नहीं होगा। तो चुप कर, उसके बाद छोड़ बेटा, तुम्हारे दादाजी ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके इस घर को बनाया है, मेरे जीते जी इसे बेचने नहीं दूंगी, मेरी अर्थी इसी घर से उठेगी। इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसी बातें क्यों करती हो दादी माँ? जाने दो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। भैया ये सब परेशानी किस लिए, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। अरे बाप रे क्या बात कही,
पढ़ाई बंद करने का बोल रहे हो? तुम्हारे कलेक्टर बनने से घर में खुशहाली आ जाएगी सोच के हम तुम पर ही भरोसा करके बैठे हैं, इसलिए ऐसा कभी मत बोलना भैया। ये बताओ तुम्हारे आईएएस की पढ़ाई के लिए कितना खर्च आएगा? फिलहाल दिल्ली तक पहुंचने के लिए 2000 का खर्च होंगे, उसके बाद एग्जाम फीस, ट्यूशन फीस, पहले का बाकी सब मिला के 2 लाख तो लगेंगे ही। क्या कहा, 2 लाख? 2 लाख रुपए? बस इतना ही? 2 लाख रुपए का तो बड़े भैया इंतजाम कर देंगे। कर दीजिए। ये इंतजाम नहीं करेगा तो तू करेगा। दादी माँ तुम कुछ मत बोलो। तू चुप रहे ना। खाना तो क्या भैया, जो मुमाया भगते रहते हैं। अरे खाना 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 मेरा दिमाग उसे चुप रहो तो दो। तुम भी जाओ खाना खाओ, जाओ। अरे राघव, किसी भी सूरत में तेरी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, चाहे जितना भी खर्च हो मैं इंतजाम कर दूंगा, तू पढ़ाई की तैयारी कर। ये लो, आ गई तुम्हारी आवारा टोली। थोड़ी देर घर पे क्या बैठ गया ढूंढते हुए, आ गए, हो गई ना पेट पूजा, अब जाके घूमा। दादी माँ, शाम को जब आऊंगा तो चने का साग और मकई की रोटी बना के रखोगे? हाँ रखूंगी, मखाई खा लेना। तुम्हारे दादा ने भी इतना नहीं सताया था, ये तो उनसे भी बढ़कर है। आज अपना प्रोग्राम क्या है? कुछ नहीं यार, वही रोज का, पहले नौकरी ढूंढना, शाम को पार्क, पैसा हो तो फिल्म देखेंगे नहीं तो घर चले जाएंगे। क्रांति दल को वोट दीजिए। हाँ, हमने पढ़ लिख के क्या तीर मार लिया है, नौकरी तो कोई देता नहीं, बस नारे लगाओ क्रांति दल जिंदाबाद। अरे पैसा मिले तो मैं सबको जिंदाबाद। क्रांति दल जिंदाबाद, बोलो स्वतंत्र भारत की जय, बोलो स्वतंत्र भारत की जय। भैया साला मर गया। गीदड़ की जब मौत आती है तो परमेश्वर और कमलेश्वर की तरफ भागता है। तुम कॉन्वेंट के लिए छोटे और कॉलेज के लिए बड़े हो, जैसे बच्चे कपड़ों पे स्याही छिड़कते हैं वैसे मुंह पे खून के धब्बे कैसे। मस्ती हाँ। बेसिन में पानी ले आना और साथ में टॉवल। ये पानी ले जाके गुलाब के पौधों पे डाल दो। अरे रुकना, अबे राम गोपाल, दफनाने के लिए ज्यादा और जलाने के लिए कम हो गए हो। मस्ती, यूनियन लीडर होने की वजह से मुझसे पंगा लिया और ये हाल हो गया, तू ही इसे सेंड अप करना। लो आ गया शैतानों का सरदार। आओ भाई एसपी, जैसे गुड़ पर मक्खी और लाशों पर गिर्द, वैसे ही जहां जुर्म होता है वहां तुम सूंघते हुए पहुंच जाते हो, पिछले जन्म में कुत्ता रहा होगा। मस्ती बेसिन रख लो और इनका मुंह मीठा करो। अरे देखते क्या हो, ले जाओ साले। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के आप जितने कदरदान है उतना कोई नहीं परमेश्वर जी। आई एम योर फैन। थैंक यू, इनको दे देना। अपनी मस्ती है ना, प्रियंका चोपड़ा से कम है, मल्लिका शरावत से बढ़कर है। नहीं इस गर्ल। ये क्या साहब, इस मर्डर के लिए भी सिर्फ मामूली मिठाई? ये कोई मामूली मिठाई नहीं है, 5 लाख है। नमस्ते एसपी साहब। नमस्ते। हेलो मस्ती। परमेश्वर जी, एक ग्राहक आया है मर्डर करवाने के लिए। क्यों भाई पंडित, तुम्हारी मती मारी गई है? मर्डर के बारे में पुलिस वाले के सामने बेझिझक बात कर रहे हो? ये वर्दी सरकार की पहनता है और पगार हमसे पाता है। मुझे देखिए, मैं एक तरफ कस्टमर को लाता हूँ और दूसरी तरफ मौत का मुहूर्त भी निकालता हूँ, पर मुझ पर आपकी दया दृष्टि नहीं है, क्या ये सही बात है मस्ती? हमारे पंडित शनि के हिसाब से कम है, शुक्र के हिसाब से ज्यादा। मजाक कर रहे हैं। ये मनहूस हंसी और दांत एक साथ बंद करो। उस यूनियन लीडर की फाइल क्लोज करने का इंतजाम करो। जाओ। ए, तेरे पास पैसे हैं? नहीं। और तेरे पास आ रहा है? अरे मेरी जेब में भी 40 कौड़ी नहीं है। क्यों बेबी, दिखाई नहीं देता क्या? अगल बगल में देख के चलाया करो कार। Stop! What the hell is happening here, yaar? We have come here to enjoy, dance,
Dance! Stop the music! Okay, start music. That's good! Chelam, chelam, hoo! Chicka, chicka, chelam, chelam, chicka, chicka, chelam, chicka, 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 ha! Chicka, 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 chelam, chicka, 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 ha! Ha! Chicka, chicka, chelam, chelam, chicka, chicka, chelam, chicka, chicka, ha! Parita, ha! Bahu chita, ha! Kabhi na hara, ha! Ha! Hardam chita, ha! Chiyam, chii, gang, gang, bajao, bang, bang. जो पैसे लेकर ईमान बेचे ना ऐसा गैंग ये मेरा ना काप पोषूंगा ना काप नोचे एवं गैंग ये मेरा गैंग गैंग बजाओ बैंग बैंग गैंग लीडर एओ स्वर्ग की खुशियाँ मैं लाऊंगा दुनिया के दामन के दागों को आज मैं लौटा लूंगा जुल्म दरिंदे और पापी को आज मिटा डालूंगा गैंग गैंग बजाओ बैंग बैंग गैंग लीडर जी की चरणों को छू के कमाल दिखा दूंगा रावण के लंका को आग में जला के भस्म बना दूंगा गैंग गैंग बजाओ बैंग बैंग गैंग लीडर। अरे यार टाइम काफी हो गया जल्दी चलो Bang, 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 bang
क्या मस्त गाना गाया। छोटा बोतल, क्या है सर? कहाँ से आ रहे हो? हम चिड़ियाघर से आ रहे हैं। अच्छा, टिकट कहाँ है? टिकट फाड़ कर ही अंदर जाने देते हैं ना सर। खुद को होशियार समझता है। आपने इसे मारा क्यों सर? पास वाली गली में एक यूनियन लीडर का मर्डर हुआ है। वो मर्डर तुम्हें लोगों ने किया है ना? ये क्या कर रहे हो? ड्यूटी के बाद कहीं शराब पीकर तो नहीं आया? ऐसा मुझे शक हो रहा था। तेरी ये मजाक। असली मुजरिम को पकड़ने की औकात नहीं है तो यूनिफॉर्म उतार के घर में बैठो। सड़क पे आने जाने वालों को परेशान करोगे तो कोई चुप नहीं बैठेगा, समझ गए? चलो यार। इंस्पेक्टर होकर उनसे मार खाते हुए शर्म नहीं आई? 24 घंटे के अंदर अंदर उस गैंग को पकड़कर हवालात में बंद नहीं किया तो तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, अंडरस्टैंड? सुनिए, वो आपका हमशक्ल है इसलिए थोड़ा ज्यादा लाड प्यार दे दिया, बस वो तो सर पे चढ़ के बैठ गया। आप तो मजे से ऊपर चले गए। निर्मला, ऐसे क्या देख रही हो? मैं हूँ, पहचाना नहीं? हे भगवान, आप कैसे हैं? मुझे मत छूना। मेरे इस आत्मिक रूप को अगर तुमने छुआ तो मैं गायब हो जाऊंगा। तौबा तौबा। ए जी, जब आप जिंदा थे तो एक दिन भी दाढ़ी बनाए बगैर नहीं रहते थे। आपके चेहरे के चमक से सूरज भी फीका पड़ जाता था, लेकिन ये क्या, अब दाढ़ी बढ़ाकर इस तरह? ये वहां का नियम है। अच्छा, सुना है तुम छोटे पर बहुत गुस्सा करती हो। जानते हैं, वो बहुत शरारती हो गया है। आने दो, उसकी टांग तोड़ दूंगी। तुम्हें गलत फहमी हुई है निर्मला। छोटा कौन है तुम्हें पता है? कौन है? मैं हूँ। मेरे मन में तुम्हारे प्रति अमर प्रेम है, इसी वजह से उसके रूप में फिर से जन्म लिया है। वो ही मैं हूँ और मैं ही वो। अच्छा, छोटा आपका अवतार है? हाँ। तो आज तक आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे ये आइडिया अभी अभी आया प्रिय। देखो निर्मला, अब से वो चाहे जितनी ही देर से आए और जब भी सोकर जाके वो कोई काम करे या ना करे, उसे तुम कुछ नहीं कहोगी। अगर कुछ कहा तो स्वर्ग में मैं दुखी हो जाऊंगा। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं, उसे कुछ नहीं कहूंगी। बरसों बाद आए, एक निवाला खाके तो जाइए। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। वहाँ स्वर्ग में मेरे लिए रंभा, उर्वशी, मेनका डांस करने के लिए बेताब हैं। निर्मला, ये ईर्ष्या क्यों? होना सहज है। देखो निर्मला, तुम मेरे चरणों में प्रणाम करोगे तो तुम्हें भी स्वर्ग प्राप्त होगा। फिर वहाँ हम दोनों साथ में नृत्य करेंगे। सच? आई आई आई। दरवाजा पीट रहा था, सुनाई नहीं दिया क्या? मैं किसी दूसरी दुनिया में। दूसरी दुनिया में? दूंगा एक सख्त हाथ का। खाना खा लिया?
तो फिर सोई क्यों नहीं? तुम्हारी राह देखकर। मेरे आने तक इस तरह रात भर जागोगी तो तुम्हारी तबीयत का क्या होगा? हाँ सो जाओ, आप देख क्या रही हो, सो जाओ। मंजले भैया की पढ़ाई के लिए आप पैसों का इंतजाम करने वाले थे, उसका कुछ हुआ? समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है लक्ष्मी, मेरे हाथ में 10 पैसे भी नहीं है। कम से कम उसे ट्रेन के टिकट के पैसे देकर कुछ दिनों बाद पैसों का इंतजाम करके भेजूंगा कहने के लिए भी मेरे पास कोई जरिया नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करते? मेरे कान की बूंदी से उसके सफर का। नहीं लक्ष्मी नहीं, अगर ये बात राघव को मालूम हो गई तो पढ़ाई रोक देगा, कैसे भी करके मैं इंतजाम करूंगा। गुरु एक बेस्ट आइडिया है मेरे पास, इस कैमरे को अगर बेचें तो 2000 रुपए मिलेंगे। 10वीं पास करने पे मेरे पिताजी ने मुझे ये घड़ी दी थी, इससे 1000 रुपए निश्चित है। ये चश्मा ले लो। अरे छोड़ना, ये सब बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे मेरे भैया ये स्टेट भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और उन्हें तो 5 स्टेट क्रॉस करना है। अरे मर गया। ए, वहां क्या हो रहा है? 10,000 से एक पैसा भी कम किया तो ये काम मैं नहीं करूंगा। अरे रे रे, ये क्या हाल कर दिया उसने? अच्छा ये लफड़ा कैसा? हमारे घर में किराए पर रहने वालों को खाली करवाने के लिए बुलाया, कितने लोगे पूछा, 10,000 मांग रहा था। मैंने कहा भैया थोड़ा कम कर लो, तब मुझे मारने लगा। चलो घर हम खाली करवा देते हैं, 5,000 दोगे? हाँ 5,000। हाँ। चलो मैं तैयार। अरे कहाँ चले, वो सब हमसे नहीं होगा, वो हमारे गुरु कर सकते हैं, वो देखो। नमस्ते गुरु जी। गुरु इनका घर खाली करवाना है, थोड़ी देर के लिए गुंडागिरी करनी होगी, इनका घर खाली हो जाएगा। गुंडागिरी करो? दूंगा एक सख्त हाथ का थोपड़े में। इनका घर इन्हीं के लिए खाली कराने में गलती क्या है, इंसाफ की बातें मान जाए गुरु प्लीज। ये बात है तो ठीक है, चलो। गुरु जी एक और बात, ये कोई ऐसी वैसी किरायेदार नहीं है। ये ऐसी वैसी कह रहा है, कोई औरत है क्या? हाँ गुरु। औरत के ऊपर मैं रोब जमाऊं, शर्म नहीं आती? जाओ। गुरु जी गुरु जी गुरु जी मेरी बात सुनिए, अगर आप उसे लड़की समझते हैं तो घर खाली मत कराना, अगर आपको एहसास हो जाए कि वो लड़की नहीं है तो खाली करा के अपने पैसे ले जाना। चलो। यही मेरा घर है। उसे बार बुलाओ, जाओ। मैं बुलाऊं? अरे तुम डरो नहीं, जाओ बैठो। क्यों बे, तू मुझे घर से निकालेगा? कर दो, मैं सड़क पे आ गया हूँ। तू सड़क पे आ गया है तो इस राजकुमारी को सड़क का प्राणी बनाना चाहता है? क्यों मुझे मत मारो, मकान मालिक से पूछ। अरे बाप रे, मैं बाहर ही मना किया था, तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती भेजा, देखा मेरा क्या हाल हो गया। मैंने कहा ना अंदर जो है वो लड़की नहीं है। तो ठीक है मैं देखता हूँ। अरे बदमाश, मेरा हाथ पकड़ कर बाहर निकालने वाला मर्द है तू, इतनी हिम्मत है तुझे तो? एक दूंगा। ये सख्त हाथ देखा, मुझसे पंगा लिया तो सख्त मार पड़ेगी। तू भी मुझसे पंगा मत ले वरना तेरी बत्तीसी तोड़ दूंगी। सीता मौसी गंगा चाची गीता भाभी हेमा, चुप कर नहीं तो भोंक दूंगा। चलो उतार अपना बोर्ड उतार। पहले चाकू हटा। भोंकू। चल बोर्ड उतार। चाकू हटा। भोंक दूंगा। बोर्ड उतार। हे तुम अंदर जाओ, एक एक चीज लाकर बाहर फेंक दो। हेलो मैडम एक फोटो। एक मिनट। भोंक दूंगा, अंदर जा। चलो उतार। मेरे घर आओ। सुनो छोटे भैया, तुम कल ही दिल्ली जा रहे हो। एक हफ्ते बाद बड़े भैया 2,00,000 रुपए भेज देंगे। लो ये रहे वहां पहुंचने तक के खर्चे के लिए। ये रुपए भैया ने दिए हैं? ये भैया की आज्ञा समझो या मेरी विनती, लो रख लो। इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आ गए? सवाल मत करो, रखने को कहा है रख लो, कहां से आए हैं कैसे आए ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। वो पैसे तुम्हें कहां से मिले? मैंने कहा ना तुम सवाल मत करो। मैं पूछ रहा हूं ये पैसे तुम्हें कहां से मिले? बड़े भैया वो ये यही पूछ रहा हूँ, ये पैसे तुम्हें कहां से मिले बताना। ऐसे क्यों पूछ रहे हैं भैया, ना तो मैंने चोरी की ना ही किसी की जेब काटी है। मतलब गुंडागर्दी करके लाए हो? मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। या फिर कर्जा लाए हो?
ये भी नहीं वो भी नहीं, तो फिर इतने रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? इस बेचारे को डांटता क्यों है बेटा? ये जो भी कहेगा सच ही होगा। जानते हो ये कौन है? ये तुम्हारे बड़े भैया। मुझसे अभी कुछ मत पूछो, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगा। बाद में बताएगा। भाभी हटो, भाभी भाभी। हाँ छोटे भैया। ये लो भाभी, भैया की ख्वाहिश के मुताबिक रेशम की साड़ी और ये गहने। सोने के गहने? सोने के नहीं है, सोने का पानी चढ़ा है। तो कल रात हमारी बातें सुन रहे थे? भैया अभी कुछ मत पूछो, सब कुछ बाद में बता दूंगा, ऐसा कहा था ना। अभी कुछ मत पूछो, बाद में सब कुछ बता देगा कह रहा है ना? बाद में क्यों, मैं अभी बताती हूँ ना। अरे बाप रे, ये यहाँ कैसे आ गई? अगर मालूम होता ये यहाँ तक आ जाएगी तो वहीं ठिकाने लगा देता। तुम कौन हो बेटी, बोरिया बिस्तरा के साथ आ गई हो? आजा आजा, सख्त हाथ दिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी। ए रुक, ए रुक, ए कहाँ जा रही है? क्या है ये, क्या मनमानी है? घर में घुस के हर कमरे में क्या ढूंढ रही है? मेरी इज्जत किस कमरे में सही सलामत रहेगी देख रही थी। तेरी इज्जत? देखा ये सख्त हाथ, एक पड़ा तो इज्जत का फलूदा निकल जाएगा। मारो, मैं भी देखती हूँ तो कितना सख्त है। मार, मार। ए, ये सब क्या है? दादी माँ, आप इस घर की बुजुर्ग दिखती है, ऊपर से औरत है, एक औरत का दुख समझ सकती है? इस भारत देश में एक औरत अपनी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकती है, कम से कम इस इज्जत में... की बात करती है, पहले ये बटन तो ठीक से लगा। मेरी इज्जत? दादी माँ देख लिया ना, आपके सामने कहाँ कहाँ घूरा था। ए, मैं सब कुछ समझती हूँ, मुझे इतना बेवकूफ मत समझना। चल क्यों रे, ये सब क्या झमेला है? उन सबके सामने पूछूंगी तो तुझे मारेंगे, इसलिए यहाँ लेके आई हूँ। वो लड़की कौन है, उसका तेरे साथ क्या संबंध है? दादी माँ, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। क्या कहा? निर्मला क्या हुआ था? हे मेरे भगवान, आप फिर आ गए। निर्मला मेरी प्रिय को इतना जोश क्यों आया, ये देखने आया हूँ क्या हुआ था। निर्मला अब होने को क्या बचा है, जिसे आप कांश मानते हो, जानते हो उसने क्या किया? किसी लड़की को लेके आया, आज तक हमारे घर में किसी ने ऐसा किया? निर्मला तुम जैसा सोच रही हो, उस लड़के ने वैसा कुछ नहीं किया, बेकार में क्यों? बस कीजिए, आप तो उसकी तरफदारी करते हैं। वो लड़की इस पर इल्जाम लगा रही है कि इसकी वजह से वो सड़क पर आ गई है। वो कौन है, क्या है, जाने बिने उसे घर पे कैसे रखे बताइए। देखो निर्मला, उसके साथ जरा प्यार से पेश दादी माँ, क्या हुआ था? हे मेरे भगवान, आप चले गए। कौन कहाँ चला गया? दीदी मेरा अपना कोई नहीं है, किसी ऐसी वैसी जगह पे रहने जाऊँ तो कोई इज्जत से रहने देगा? और कहीं सुरक्षित ठिकाना ढूंढना चाहूँ तो हजारों का डिपॉजिट मांगते हैं। इज्जत वाली हूँ मैं, इतने सारे रुपए कहाँ से लाऊं? मैंने उस लड़की के बारे में एक फैसला लिया है, अगर तूने मुझे रोका तो देखना क्या करूंगी। दादी माँ, जब तक चाहो तुम यहीं रह सकती हो। सच कह रहे? हाँ बेटी, तुम यहीं रहना। दादी माँ जाने दीजिए ना भाई साहब। दादी माँ कम से कम आपने मेरा दुख समझ लिया। मेरा कमरा कहाँ है, राइट या लेफ्ट? में बाथरूम है वहीं पर। तो चुप रह, उधर जाओ बेटी। थैंक्स दादी माँ। कहाँ जा रही हो? सख्त। ये क्या उंगली दिखा रहा है? एक उंगली नहीं, पूरा हाथ दिखा के बोल रहा था कि उस तरफ ही जाना है। भैया क्यों रे, क्या हुआ? तुम्हारे दोस्तों को पुलिस वाले पकड़ के ले गए। यूनियन लीडर को मारने वाले तुम ये कबूल करते हो या नहीं? नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं। मारते हो या नहीं? बोल, बोल सकते हो? बोल, हमें बोल, बोल सकते हो? बोल, बोल, बोल। इन लोगों का लीडर आया है। तुम ही उस आवारा गैंग के लीडर हो? आवारा ही नहीं, जरूरत पड़ने पर जान लेने वाली गैंग। हाँ हाँ, जान लेने वाली गैंग, तभी तो उस यूनियन लीडर की जान ले ली तुम लोगों ने, है ना? क्या? चुपचाप जुर्म कबूल कर लो, वरना मैं क्या करने वाला हूँ मैं खुद नहीं जानता। आप नहीं जानते? बेचारे ये नहीं जानते। क्या कर रहा है तू? तेरी टांग तोड़ दूंगा। तमीज से, तू तेरी कह के बात करोगे तो देखा हाथ कितना सख्त है।
सख्त मार पड़ेगी। You rascal! You bloody! You bloody! You shut up! SP संजय मेरा, मुर्दाबाद! पुलिस डिपार्टमेंट, मुर्दाबाद! SP संजय मेरा, मुर्दाबाद! SP संजय मेरा, मुर्दाबाद! पुलिस डिपार्टमेंट, मुर्दाबाद! पुलिस डिपार्टमेंट, मुर्दाबाद! SP संजय मेरा, मुर्दाबाद! SP संजय मेरा, बंद कर देता हूँ, क्यों बंद करे? यूनियन लीडर को मारने वाला परमेश्वर है, ये बात मैंने अपने अखबार में छापा है, ये पूरी दुनिया को भी मालूम है, लेकिन आप इस बात से अनजान हैं। ये क्या कहानी सुना रहे हो? ये कहानी नहीं, जनता के अंदर दबी हुई ज्वालामुखी है। एक यूनियन लीडर को बड़ी बेरहमी से मर्डर किया गया, इस पर आपके डिपार्टमेंट ने क्या किया ये जानने के लिए हम आए हैं। आतंकवादियों को पकड़ कर हम पूछताछ कर रहे हैं ताकि सच्चाई का पता चले। इसमें तुम लोग यहाँ क्यों आए? कौन आतंकवादी? पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान आपको आतंकवादी नजर आते हैं? गुनहगार कौन है मैं बताता हूँ, मेरे पास सबूत है। अगर आप में हिम्मत है, अगर जरा सा भी दम है तो उन्हें पकड़ कर अंदर कीजिए। ऐसे निर्दोषों को टॉर्चर करके जबरदस्ती कबूल करवाएंगे तो मेरा अखबार चुप नहीं बैठेगा। निडर होकर पर्दाफाश करके सारे देश को बता दूंगा। थैंक यू मिस्टर राजेश, आप जैसे पत्रकारों की वजह से देश का भला हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। सच्चाई का पता लगाए बिना जानवरों की तरह पेश आने वाले पुलिस डिपार्टमेंट पर लानत है, शर्म आनी चाहिए। एसपी संजय मेरा, मुर्दाबाद! पुलिस डिपार्टमेंट, मुर्दाबाद! एसपी संजय मेरा, मुर्दाबाद! एसपी संजय मेरा, मुर्दाबाद! पुलिस डिपार्टमेंट, मुर्दाबाद! बंद कीजिए, बंद कीजिए, अंदर आइए राजेश जी। आपके पास जो सबूत है वो हमें दिखा के कानून की मदद कीजिए प्लीज। कम क्यों भाई जर्नलिस्ट, तुम खामखा मुझ जैसे और एसपी जैसों के साथ पंगा लेकर अपनी मौत को क्यों दावत दे रहे हो? इंसान इंसान को मारना हैवानियत है। यू आर राइट, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। मौत को सामने देखकर भी जोश में आने वाले आखिर इस देश में कितने लोग हैं? कमलेश, ये तो इंटरनेशनल लेवल का नामी जर्नलिस्ट है, इसको छोड़ दें क्या? चुप रहिए भैया, हमें एक्सपोज करके अपने पेपर का सर्कुलेशन 3000 से 30000 कर दिया साले ने। कमलेश की बात में भी दम है, तुमने हमारी बेइज्जती से बहुत इज्जत पा ली है, तो हमें भी हमारी मान मर्यादा का बचाव रखना चाहिए ना। तुम जैसे भले मानुष को मारना तो ठीक है, क्या करें। साला मर गया। बिस्तर पर मटन बिरयानी और ये डेजर्ट दोनों परमेश्वर की तरफ से। वो मेरी पसंद नापसंद अच्छी तरह जानते हैं। इस तरह क्या देख रही हो? बुड्ढा सीटी वगैरह यही देख रही हो ना? ऐसे ही। अच्छा, तुम्हें मेरे पोते से हाथ ऐसे दिखा के जीप को अंदर मोड़ के ये हाथ देखा कितना सख्त है। सख्त मार पड़ेगी कहता है तो मेरा मन मचलने लगता है। तो इसमें सोचने की क्या बात है? सख्त को नरम कर दे। भीगा मौसम है ये, दो तीरों का संगम है ये, खिलती धूप है खिलता रूप है, झूमे ये दिल मेरा, हाले 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 हाय। भीगा भीगा मौसम है ये, दो तीरों का संग है ये, मन का मीत है प्रेम गीत है, झूमे ये दिल मेरा।
तेरी जवानी कर मेरे दिल को बेकाबू। मेरे इस हुस्न का है साजन ये जादू है। बारिशों की बूंदों से धुली तू कली है कली है। मुस्कुरा के यूं देखे जो तू मुझे झूमे ये दिल मेरा हाले 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 हाय। भीगा भीगा मौसम है ये, दो दिलों का संगम है ये। चल आजा और आजा, मुझे तेरा प्यार पाने को दिल करे राजा। प्यार से भर दूं मैं दिल तेरा आजा और आजा। मन मेरा सजन गुनगुना रहा तो भी गुनगुना भीगा भीगा मौसम है ये, दो दिलों का संगम है ये। खिलती धूप है खिलता रूप है झूमे ये दिल मेरा हाले 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 हाय। भीगा भीगा मौसम है ये, दो दिलों का संगम है ये। मन का मीत है प्रेम गीत है झूमे ये दिल मेरा। La 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 पता नहीं ये खेल कहां जाके खत्म होगा। इज्जतदार इज्जतदार करके बात करती है। मेरे मर्द का फोटो देख के उसका दिल मचल गया। अच्छा हुआ वो जिंदा नहीं है, वरना ये उन्हें लेके भाग जाती। राजकुमारी रहने का ठिकाना तो नहीं है, राजकुमारी बनके फिरती है। अब बने राजकुमारी। बड़े भैया भाभी क्या हुआ बोलिए ना। भैया सफर के लिए पैसा मिल गया था, इस वजह से मैं सही सलामत दिल्ली आ पहुंचा। आज तक पूरे परिवार का बोझ आप अकेले ही ढोते आए हैं। मैं आईएएस पास करके आपका ये बोझ बांटना चाहता हूं। उसके लिए 5 दिन की मोहलत है। इन 5 दिनों में अगर मुझे वो मौका ना मिला तो हमारे परिवार का बोझ आपके साथ बांटने के बजाय मैं खुद भी आप पर बोझ बन जाऊंगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसी परिस्थिति में मैं अपना बोझ इस दुनिया से हमेशा के लिए। पिस्ता भाई सेठ, कुछ भी हो मेहरबानी करके आपको मेरा ये काम करना ही पड़ेगा। मैं आपका एहसान कभी नहीं। अरे एहसान की बात छोड़ो, तुम्हारे भाई की कलेक्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए तुम्हें 2 लाख रुपए चाहिए, लेकिन क्या दूं? घर पहले से गिरवी पर है, आप क्या रखोगे? अपने भाई के कलेक्टर की नौकरी गिरवी पर रखोगे? आ,
में बैठो। किस लिए? इट्स माय रिक्वेस्ट, छोटा सा काम है। कम ऑन। आपने टाइम पास की जगह पर मुझे क्यों लेकर आए हो? टाइम पास के इस खेल में और जिंदगी में करीबी रिश्ता है। तुम ये रेड बॉल्स देख रहे हो, वो यहाँ की आम जनता है, और ये पिंक, ब्लू, ब्लैक, येलो, ब्राउन, ग्रीन, ये सब शहर के चंद इन्फ्लुएंस वाले शख्स हैं। और ये व्हाइट बॉल, ये तो मैं हूँ। इनमें से किसी भी बाल को हिलाना है या उसके मंजिल तक पहुंचाना है तो वो शक्ति सिर्फ इस सफेद बाल में ही है, यानी मुझ में है। ये सफेद बॉल नहीं है, क्यू बॉल है। ओहो, जरा वो क्यू मुझे पास में है ना, ले लो। वो क्यू जो क्वीन के पास है। तुम्हें बुला रहे हैं? हाँ मस्ती, अब जा मस्ती। आ गई हूँ, क्या चाहिए? मुझे चाहिए ये क्यू, तुम नहीं। इस क्यू बॉल में चाहे कितनी ही शक्ति क्यों ना हो, इसे मारने की शक्ति इस क्यू में है, इसलिए यहाँ मैं ही क्यू हूँ। ये तो सबका सरदार निकला है एसपी, बहुत अच्छे लड़के को लाए हो। मुझे पसंद आया। चुप रह, कैपेसिटी वाला कैंडिडेट है, आंख बंद करके नौकरी दे सकते हैं। बिल्कुल। देखो भैया, हमारे पास हर काम का अलग अलग रेट है। फिक्स रेट? सिर्फ पेमेंट ही नहीं, कुछ बोनस भी है। ग्रुप फाइटिंग के लिए 25,000 रूपए, किसी का हाथ पाँव निकालने के लिए 50,000 रूपए, किसी की जान निकालने के लिए 2,00,000 रूपए, स्पॉट पेमेंट, शराब शबाब बोनस। ओके, यानी मुझे गुंडे की नौकरी दे रहे हो? नहीं, गवर्नर की नौकरी करोगे? गुंडा ही है, मगर नंबर वन गुंडा बना के प्यार और इज्जत से रखूंगा। देखो, मैं फाइटिंग कर सकता हूँ, पता है कब? जब न्याय अन्याय बन जाए। हाथ पांव तोड़ सकता हूँ, वो भी पता है कब? जब धर्म अधर्म बन जाए। जान लेनी पड़ी तो वो भी ले सकता हूँ। वो कब? जब तुम जैसे और इसके जैसे इंसान हैवान बन जाए। अरे ये तो सरदारों का भी सरदार निकला, तुम कैसे आदमी पकड़ के लाए हो? नेताओं से कम, अभिनेताओं से बढ़कर है। मुझे नहीं चाहिए और इसकी जरूरत भी नहीं। मुझे भी जरूरत नहीं। अरे ये क्या, आप नई पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए। एक सुहागन को खुद उसके पति द्वारा कोठे पर ले जाना जितना नीच होता है, उतनी ही नीच हरकत है किसी पुलिस ऑफिसर के लिए एक आम आदमी को इनके जैसा गुंडा बनाना। डूब मर कहीं जाके। अगली बार कुछ दमदार लड़कों को भेजना। भैया वो जा रहा है, उसे खत्म कर दूं? उंगली के कटने से चाकू फेंकते हैं क्या कमलेश्वर? उसने अपनी कैपेसिटी का एक नमूना पेश किया, इसे तो कुछ भी लालच देकर हो सके तो सीधी उंगली से या उंगली टेढ़ी करके हमारे अंडर में लेना चाहिए। सच कहा, ऐसे कैपेसिटी वाला मर्द अगर बुढ़ा है तो पालना चाहिए और जवान है तो रखना चाहिए। अरे वाह, उस लौंडे को देखकर तुम भी डायलॉग बोलने लगी हो। वैसे तो तुम्हारी कैपेसिटी ऐसे के लिए कम है और डस्टबिन के लिए ज्यादा है। अस्पताल ले चलो।
क्या कार एक्सीडेंट? कल तुम्हारी शादी होने वाली है और आज एक्सीडेंट करके आई हो। अगर ये बात किसी को मालूम हो गई तो कल तुम शादी के मंडप पे नहीं होगी, हवालात में होगी। पहले तुम अंदर जाओ, पता नहीं ड्राइवर कहां चला गया। घनश्याम कौन हो तुम? आपकी बेटी से हुए एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह। मेरी बेटी ने ही एक्सीडेंट किया है, इस बात का क्या सबूत है? मेरे साथ और लोगों ने भी देखा है, उन्हें ले आता। रुको रुको भाई, चलो अंदर चल के बात करते। बैठो। बेटे, कल मेरी बेटी की शादी है। ये बात लड़के वालों को पता चल गई तो ना सिर्फ उसकी शादी रुक जाएगी, हमारी इज्जत भी चली जाएगी और उसकी किस्मत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए 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 ये इल्जाम अपने सर लेने वाला अगर कोई मिल जाए, इससे एक बेगुनाह को गुनहगार बनाना नाइंसाफी नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, नाइंसाफी नहीं होगी। उसे जो चाहिए मैं दूंगा, इतना ही नहीं, जिसे चोट लगी है उसके इलाज का सारा खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। बेटा, मुलजिम के इकबाल जुर्म से ये साबित होता है कि इनकी लापरवाही से ये दुर्घटना हुई है, लिहाजा ये अदालत मुलजिम राजकुमार वर्मा उर्फ मुजरिम करार देते हुए आईपीसी दफा 348 के तहत 6 महीने की कड़ी सजा सुनाती है। जेलर साहब बुला रहे हैं। सर, आप अपनी बेटी को बचाने के लिए तुम्हें जेल भिजवा दिया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने यहाँ आकर कोई त्याग नहीं किया, आपसे 2 लाख रुपए लेकर यहाँ आया हूँ। मेरी बेटी के भविष्य को बचाने के साथ साथ तुमने अपने बड़े भाई के भविष्य को भी संवारा है। मैं तुम्हें कैदी की हैसियत से नहीं, अपने गुरु की हैसियत से देखता हूँ। गुरु जी आपसे छोटा हूँ, आप मुझे। इसमें छोटे बड़े की कोई बात नहीं है, बात है बड़प्पन की। चलो गुरु जी। लीजिए साहब। गुरु जी, ये लीजिए चाबी। ये मुझे क्यों दे रहे? मैंने कहा था ना, ये आपका घर है, आपके घर की चाबी आपके पास होनी चाहिए। तो भी कुछ मत बोलिए, आपके घर के चाबी किसी दूसरे को दूंगा क्या? लीजिए, रख लीजिए। मेरा कैदी कहाँ है? आपका कैदी? कौन सा कैदी? कैदी नंबर 786, एक्सीडेंट करके जो आया ना वो। ओ गुरु जी। हाँ, वही गुरु जी। गुरु जी क्या कौन लगती है? गुरु पत्नी। तुमने तो मुझे डरा दिया, मैं तो उनकी होने वाली पत्नी हूँ। नमस्कार गुरु पत्नी जी, आइए बैठिए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, कौन है लड़के? हमारे गुरु जी की वाइफ जी है, मतलब पत्नी। नमस्ते बाबू जी। खुश रहो बेटी, गुरु जी से मिलने आई हो? तो गुरु जी के पास सीधे लेके चलता हूँ। जल्दी उनके पास ले चलिए। आओ मेरे साथ। रोमियो और जूलियट की तरह, शाहजहां और मुमताज की तरह, कैसे जोड़ी बनाई ऊपर वाले ने। गुरुजी प्रोसीड। कि तू चलने दे, चलती है दुनिया जो देख रे, तू चलने दे। I love you, oh humdum। नशीली बातें तेरी निराली, तुझ पे है फिदा। जिगर में तू है मेरी, नजर में तू है, तू सबसे जुदा। पागल बन
बना दिया है, चाहत जगा दिया है, खोए रहते हम। हल चल किया है तूने, दिल ले लिया है तूने, बेकल हो तरह। हाँ हाँ हे हाँ, पढ़ने दे दिल की कहानियों को, पढ़ने दे चुमू, हाँ हाँ चुमू, बाहों में आके भर ले, मेरी हो जा, शादी कर ले, तेरी ख्वाहिश तेरी आरज़ू कर दूंगी पूरी। चाहे जमाना तुझको है लेके जाना सपनों के गांव में। पढ़ने दे दिल की कहानियों को, पढ़ने दे, पढ़ने दे दिल की बेताबियों को, पढ़ने दे। I love you, ओ हमदम, मैं कुछ बोलूं, हाँ हाँ बोलो, चुमू हाँ बाहों में आके भर ले, मेरी हो जा, शादी कर ले, अरे तेरी ख्वाहिशें तेरी आरज़ू कर दूं मैं पूरी। किससे मिलने कहां पर आई हो, शर्म नहीं आती? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, हैं? क्यों आई हो? घर खाली करवाने का पाप जो मैंने किया उसके लिए जिंदगी भर मुझे टॉर्चर करने का बीड़ा उठाया है, हैं? जा जा यहाँ से। गुरुजी गुरुजी क्या हो रहा है सब, इस लड़की के साथ क्यों झगड़ा कर रहे हो? ये लड़की कौन है पता है? तुम्हारी बीवी तो है ये और मेरी बीवी, पागल हो गए हो क्या? देख लिया बाबूजी, भारत देश की सच्ची भारतीय नारी पराए बर्थ के पास जाके ये मेरा पति है, ये मेरा पति है कहेगी? आप मेरे पिता जैसे, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आप ही इंसाफ कीजिए। ठीक है, मेरी बीवी होने का अगर ये दावा करती है तो गले में मंगलसूत्र कहाँ है, मांग में सिंदूर कहाँ है, पाँव में बिछुए कहाँ है, दिखाने के लिए बोलिए कमान। देखो तुम एक बार इन्हें सब कुछ खोल के दिखाओ और साबित कर दो कि तुम इनकी बीवी हो। बाबूजी सुबह जब बाथरूम में नहा रही थी ना तो वहीं पे सब उतार भूल गई, भूल गई, एकदम झूठ बोल रही है। देखिए जेलर साहब, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ ये एकदम नकली माल है, आगे भी ये जेल में मुझसे मिलने के लिए तरह तरह के भेष बदल कर तरह तरह की कहानियां गढ़ के आएगी, ये रो रो के बेहोश भी क्यों ना हो जाए आप इसे अंदर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही करूंगा, मैं आपकी बेटी। तुम मुझे सेंटीमेंट में फंसाने की कोशिश मत करो, लाठी चार्ज कर दूंगा, चलो चलो निकलो यहाँ से, भागो भागो, लाठी चार्ज कर दूंगा, भागो भागो, मैं कहता हूं भागो। राघव तो मेरा आशीर्वाद, मेरा नाम जगन्नाथ है, मैं जेल सुपरिंटेंडेंट के हैसियत से काम कर रहा हूँ। मेरी बेटी का हाथों हुए एक कार एक्सीडेंट अपने ऊपर लेकर उसके बदले में मिलने वाले पैसों को तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये वाकई काबिले तारीफ है। अरे छोटे ये सब क्या है? मैं कोई गलत काम करके जेल में नहीं आया दादी माँ, अनजाने में एक एक्सीडेंट हो गया। जानती हूँ बेटे,
होकर भी गुनाहगार बनके एक मासूम की जिंदगी बचाई, छोटा होकर भी हम सबका बोझ अपने कंधों पर लेकर अपनी जिंदगी सलाखों के पीछे डाल। दादी माँ, ये सब आपको किसने बताया? इन्हें मैंने ही बताया। सबसे बड़ी सच्चाई प्रेम कहलाती है, ये कहावत है। प्रेम से सच्चाई कहना गलत है, ये किसी ने भी नहीं कहा है। छोटे मेरे भाई, भले ही तुम छोटे हो लेकिन तुम सबसे महान हो गए। चाचा जी, कैसे हो मुन्ना? तुम घर आओ चाचा। तू शोर मत करना, तुम्हें देखना चाहा इसलिए सबके साथ चली आई। जेलर साहब को पता चल गया तो मुझे लाठी मारकर बाहर निकाल देंगे। तुझे देख के बहुत प्यार उमड़ रहा है, एक काम कर, जल्दी से पपी दे दे। हाँ, कस के पकड़ पास ले ले, जल्दी जल्दी। नहीं, मैं उन्हीं से पपी मांग रही थी। चलो यहाँ से, चलो। साहब जी, ये लड़की पराई नहीं, हमारी है। चलते हैं छोटे, अपना ख्याल रखना। जेलर बाबू, हमारे बच्चे का ध्यान रखना। ठीक है, चलती हूँ। जल्दी हो चलते जी। ठीक है, चलते हैं छोटे भैया। क्यों जी, आप उनके साथ नहीं गई? यहीं रहने का इरादा है? तुम का एक सख्त हाथ का भागे से। नमस्ते जी। अखिं, अखिं। मेरा नाम शंभुनाथ है जी। तुम्हारे मुंह से पता चलता है कि तुम लोमड़ी से ज्यादा हो और भेड़िए से कम हो। काम क्या है बताओ? किसी का मर्डर करना है जी। किसका? सोचना, हिचकिचाना हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं। बेझिझक बोलना बोलना। यहाँ की MLA का? क्या MLA? इंदुमती का? हाँ जी, उनका मर्डर हो जाएगा तो दोबारा चुनाव होगा, तब मैं ही उम्मीदवार बनूंगा। लेकिन इस मर्डर का 50 लाख लगेगा। मंजूर है जी। कल एकादशी है, एकादशी मरण, द्वादशी दहन, त्रयोदशी को इसका भाग्य खुल जाएगा। वह क्या मुहूर्त निकाला है। सर, मैंने आपका काम कर दिया सर। Yes? मेरा नाम रघुपति है। हाँ बोलिए। कल रात लोकल MLA इंदुमति का कत्ल हुआ था ना? उस समय उनसे बात करने के लिए मैं वहाँ पर गया हुआ था। Is it? उनके कातिल को मैंने खुद देखा है सर। उन्हें मारने के बाद उसने उनके सिक्योरिटी गार्ड को भी मार दिया। ये दोनों कत्ल परमेश्वर के छोटे भाई कमलेश्वर ने किए हैं सर। मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ, तुम वहीं रहो। जी। तुम वाकई अकलमंद हो SP। किस लिए? जो उसको वहीं रहने के लिए बोला ना। भैया
साला। शिवशिवा शिवशिवा नागेंद्र सर, इससे बेहतर होगा कि उस लाश को लारी से कुचल दो। एक्सीडेंट है कहकर एसपी केस बुक करके तुझे अंदर कर देंगे। क्यों एसपी? अच्छी बात है। उसके बाद हमेशा की तरह दस्तखत करके जेल से भाग जाना। इस बार तू भाग नहीं पाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पंचांग में लिखा है। मनहूस बातें बंद कर गाड़ी में बैठ। बोलो तो सही, क्या हुआ? डर लग रहा है। भैया के कत्ल के बारे में हम राधे को बताएंगे? क्यों पागल हो गए हो क्या? अगर नहीं बताऊंगा तो जाऊंगा। राजा को ये बात मालूम होगी तो क्या होगा जानते हो? क्या होगा? क्या कर रहे हो तुम? तू जरा ठंडे दिमाग से सोच। छोटे भैया के लिए बेगुनाह होकर भी वो जेल में सजा काट रहा है, अब बड़े भैया की कत्ल की बात सुनेगा तो सचमुच गुनहगार बन जाएगा। तू उसे दोबारा जेल भेजना चाहता है? बोलता क्यों नहीं? सर, आई एम सॉरी मिस्टर राजा। क्यों, क्या हुआ? जब तुम कारपेंटरी कर रहे थे उस वक्त एक खबर आई, तुम्हारे बड़े भैया। मेरे बड़े भैया? क्या बात, क्या हुआ सर? वो अब नहीं रहे। क्या चार्ज है इस पर? ट्रक एक्सीडेंट करके किसी की जान ले ली। ओके, दस्तखत कर दो। मुजरिम को आपके हवाले कर रहा हूँ। शैल आई टेक लीव सर? ओके, थैंक यू सर। क्या किया इसने? लारी एक्सीडेंट करके किसी को मार दिया। ले जाकर बंद कर दो। 3-2-4-2 ओपन द सेल। Thank you.
इंस्पेक्टर। यस सर। इस शख्स ने आईएएस पास किया है, इनके बारे इंक्वायरी करके रिपोर्ट भेजने के लिए सरकार ने हमें लेटर लिखा है। हाँ जस्ट अ मिनट, ये कलेक्टर होने वाले हैं और मेरी बेटी की शादी नहीं से होने वाली है, जरा ठीक से इंक्वायरी करना। यहीं पर रोको लता, मेरा घर आ गया। थैंक यू, बाय बाय बाय। मुन्ना, मुन्नी रो मत, क्यों रो रहे हो? दादी माँ, हम सबको छोड़कर चला गया है राघव, अगर ये बात तुझे पता चल गई तो तेरी पढ़ाई रुक जाएगी, इसलिए नहीं बताई। ये क्या, मेरे रिया होने पर खुश होकर जेल आओगे सोचा था, मुंह लटकाते हुए आए हो, क्यों खाना नहीं खाया क्या? राजा, अरे भैया भैया गुजरने के सदमे से ये अभी तक बाहर नहीं आ पाया है। आजा, अरे वो नहीं राजा, चुप हो जा, अब चुप हो जा, चुप हो जा राजा, इसे ले जा बाहर, इसे ले, बड़ा जज्बाती है। चलता हूँ सर। दादी माँ, एसपी साहब। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, मेरा नाम संजय मेहरा है। अच्छा, और ये है मेरी बेटी लता। बैठिए एसपी साहब। थैंक, बैठिए। बाबूजी, आपको कैसा आना हुआ? माँ जी, दरअसल बात यह है कि मैं एक शुभ कार्य के लिए यहाँ आया हूँ। यानी मेरी बेटी की आपके पोते के साथ शादी करने की बात। आप बड़े हैं इसलिए आपसे बात करने आए हैं। मेरी बेटी आपके पोते को चाहती हैं, पता नहीं इनके मन में क्या है। मुझे कोई एतराज नहीं। बाबूजी, हमारे घर का हर फैसला हम सब मिलकर ही लेते हैं, हमारा पोता राजा भी आता ही होगा जेल से, मैं जानता हूँ माँ जी, इसलिए उसके आने से पहले ही अगर हम फैसला कर लें तो आता ही हम उसका मुंह मीठा कर सकते हैं। उसके मुंह से जो बात निकलेगी उसी से सबका मुंह मीठा हो जाएगा। मामा, छोटे चाचा आ गए। तो आ गया छोटे, तेरी ही बात हो रही थी, बड़ी लंबी उम्र है तेरी। कैसे हो छोटे भैया? हाँ एसपी साहब, जरा बाहर आएंगे, आपसे प्राइवेट में कुछ बात करनी है। Why not? Sure. चलो बेटा। ये सब ड्रामा क्या है? ये क्या बेटे, इतना भी नहीं जानते? सगाई है सगाई। पुलिस वाले होकर भी खूनियों का साथ देने वाले तुझ जैसे आदमी के साथ हमारे घर का कोई इंसान तो क्या, कुत्ता भी दूर रहेगा रिश्ता नहीं जोड़ेगा। मेरी दौलत और तुम्हारी गरीबी के बीच कोसों की दूरी है ये जानकर भी जान बूझ कर तुम लोगों से रिश्ता जोड़ने क्यों आया है जानते हो? क्योंकि तुम्हारा भाई कलेक्टर बनने वाला है। जानता हूँ, अगर दामाद कलेक्टर रहेगा तो बेफिक्र होकर जुर्म पर जुर्म कर सकते हो, तुम्हारी इस घटिया सोच को भी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं कितना कमीना हूँ तुम जानते हो ना, तुम अगर इस रिश्ते में रुकावट बनोगे। क्या करोगे, मैं अभी अभी जेल से ही आ रहा हूँ, जरूरत पड़ने पर कोई बड़ा जुर्म करके फिर से जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। देखो बच्चे, किसी के भी कलेक्टर बनने से पहले उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में इंक्वायरी करके पुलिस को रिपोर्ट भेजना पड़ता है। देखो, ये तुम्हारे भाई के बारे में इंक्वायरी करके मुझे रिपोर्ट भेजने के लिए अगर आया हुआ गवर्नमेंट ऑर्डर है। तुमने पैसों के खातिर एक इल्जाम अपने सर पे लेके उन पैसों से अपने भाई को पढ़ाया, ऐसा मैं रिपोर्ट में लिख सकता हूँ। अगर उस रिपोर्ट में तुम्हारे परिवार को शरीफ ठहराया तो तुम्हारा भाई कलेक्टर बनेगा। अगर मैं ये लिख दूं कि तुम लोग धोखेबाज हो, फरेब हो, तो वो बिल कलेक्टर भी नहीं बनेगा।
अपने भाई को कलेक्टर बनाओगे या कुछ और, तुम्ही को फैसला करना है। मैं चलता हूं, अंदर सब मेरे इंतजार कर रहे हैं। बाय। ये लो, परमेश्वर जी भी आ गए। आइए साहब, वेलकम, नमस्ते। आज व्हाइट एंड व्हाइट में जच रहे हो एसपी। तुमने तो नहले पे दहला मार दिया एसपी, कैपेसिटी वाले हो, तेज धार की तलवार जैसे लड़के के साथ रिश्ता जोड़ लिया। ये अपने हाथ से फिसल ना जाए, कभी न कभी ये हमारे काम आएगा। दूल्हे के बड़े भाई एक शरीफ और नेक इंसान थे, इस हार से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रघुपति साहब, एक मिनट साहब। हाँ, ये वीडियो। सुनो, सुने दो। थैंक यू बेटी। गुम सुन रह के थक गए होगे, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक लाई हूँ। थैंक्स। देखो, हम दोनों एक काम करें। काम? अरे वो नहीं, उन दोनों की शादी हो जाने के बाद हम दोनों भी मंडप में जाके बैठ जाते हैं। तुम मंगलसूत्र पहनो, मैं पहन लूंगी। सख्त मार पड़ेगी, अपना आपको समझते क्या है? देखो मारूंगा, मारूंगा। गलत। मजदे भैया मंगलसूत्र पहना रहे और मुझे वहां रहना होगा। देखा तुम लोगों ने, एक तो खून किया, अब मौसमियत का नाटक। कमीने कहीं के नहीं, अभी मैं जाके राजा को बता देता हूँ। ये कहीं राजा को बताना दे यार, चलो उसको लेके कहीं और चलते हैं। बाहर क्यों जाएंगे यार, अभी बता देते हैं। क्या कर रहा है यार, चल यहाँ से। अरे तुम लोग सबसे क्यों नहीं है? चल। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या है वो? यहाँ के सारे पुलिस वाले परमेश्वर की मुट्ठी में हैं। अगर हम सीधा गृह मंत्री को अर्जी दे तो। ए, ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है। तो फिर सोचना क्या, केलो पेपर और पेन लिखो। बेटी लक्ष्मी, राजा लक्ष्मी, हमारा राघव कलेक्टर बन गया है ना, इसलिए पूरे मोहल्ले का नक्शा ही बदल गया है। म्युनिसिपैलिटी वाले आके साफ सफाई कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। जरा तुम लोग भी जाके देखो ना, इसीलिए कहते हैं हर गली में एक नामी आदमी होना चाहिए। हाँ, इसीलिए तो इस मोहल्ले में मैं हूँ। नमस्कार साहब। ए, ये क्या तरीका है? सूट में जच रहे हो भैया। बेटा। दादी माँ। अंदर चलो, आओ बेटी। भैया। भाभी, इस घर में बहू बन के आने के बाद आपने कोई सुख नहीं पाया। अब दिन सुधर गए, लेकिन आप सुहागन नहीं, इसका मुझे अफसोस। अगर मैं कलेक्टर बन गया हूं तो वो दादीमा के आशीर्वाद से। चुप चुप जियो। मेरा क्या है बेटा, अगर वक्त पे छोटे ने मदद नहीं की होती तो आज हम इस हाल में नहीं रहते। अगर तुम ना होते तो मैं भी नहीं होता छोटे। यू आर माई फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। दादी माँ, मेरे नाम बंगला अलॉट हुआ है, हम सब आज ही उस बंगले में शिफ्ट करेंगे। हमें उस बंगले की क्या जरूरत है भैया? देखो राजा, हम सब अलग अलग रहे उसके लिए मैं कलेक्टर नहीं बना। अगर तुम सब मेरे साथ नहीं चलोगे तो मुझे इस कलेक्टर की नौकरी नहीं चाहिए। ऐसी बातें मत कर बेटा।
मैं चली, मैं चली। राजी ये क्या, तुम भी अपना बोरिया बिस्तर बांध रही हो? जाना तो पड़ेगा ही ना। कहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाके हमारे सर पे चढ़ने के लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मैं भी चलूंगी। हाँ बेटी, रघु के गुजरे एक साल भी नहीं हुआ, इस घर में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं है। जब तक तुम्हें दूसरा अच्छा घर नहीं मिलता, इसे अपना ही घर समझो, ठीक है? मैं चलती हूँ। दादी माँ, मैं भी। दादी माँ, मैं भी आ रही। कोई जरूरत नहीं, कहा ना। आइए दादी माँ, आइए। माँ जी, वो है आपका कमरा। आओ राजा, आओ, come on। तुम्हारा भाई टैक्सी चलाने वाला है, ऐसा पिताजी कह रहे थे। तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? कलेक्टर का भाई होके टैक्सी ड्राइवर बने, ये बेइज्जती की बात है ना? मेरे भाई ने किसी और के जुर्म को अपने ऊपर लेकर मुझे पढ़ाया है। उसके जेल जाने की वजह से मिले उन रुपयों से मैं कलेक्टर बना हूँ। अगर इससे मुझे कोई बेइज्जती नहीं है तो तुम्हें किस बात की बेइज्जती? वो टैक्सी चला रहा है, आवारा बनकर किसी पर बोझ तो नहीं बन रहा है ना? फिर कभी ऐसी बेतुकी बातें मुझसे मत करना। अरे यार क्या कर रहे हो, जल्दी फोड़ो ना। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। रुको रुको रुको, पहियों के नीचे नींबू रख दिए हैं, अब तुम बेफिक्र होकर गाड़ी चलाओ राजा। तुम शगुन के रसम करो। अरे ओ कविराज, तुम भी शगुन के लिए हमारे साथ आ जाओ। बोलो स्वतंत्र भारत की जय। एक टैक्सी चलेगा? बाप रे, ये सामने से कहां से आ गई, मर गया। अरे इस तरह सर क्यों पीट रहे हो? मेरे आने का शगुन और मेरे हाथों की बोनी के बारे में तुम नहीं जानते। जिस चाय की दुकान की मैंने बोनी की थी वो आज 5-स्टार होटल है, जानते हो? अरे भाड़ में गया तेरा 5-स्टार, मुझे टैक्सी नहीं चाहिए, मैं रिक्शा चला लूंगा। रिक्शा रिक्शा। ऐसा मत कहो गुरु, हमारे राजा की बोनी करने के लिए इस रानी को ऊपर वाले ने भेजा है, और फिर जवान लड़की है, हाथ जोड़ के विनती करती है तो मना नहीं करना चाहिए, इसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। अरे सोचता क्या है, ले जाना अपने साथ। अरे तुम नहीं जानते यार। अबे जल्दी मिनट डाउन करना। हटो। अरे यार ये तो बहुत बड़ी बनौती है। राजा गुरु, ले 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 गाड़ी। हम दोनों जीवन के हमसफर बने, ये ऊपर वाले ने पहले से ही फैसला किया है, अब देख लिया। कैसा सफर? टैक्सी का सफर, बस इतना ही ना? ओफ ओफ ओफ, ठीक से चलाओ ना, चलाना भी नहीं आता। जैसे आता वैसे चलाओ। आ गया, चलो तार। टैक्सी का भाड़ा कौन चुकाएगा? तेरा बाप चुकाएगा। ड्राइवर हो, तमीज से बात करो। अब सामान लेके अंदर आओ। ड्राइवर सामान अंदर नहीं ले जाते हैं। तो ऐसे फेंक देते हैं। तुझे तो देख लूंगी। पैसे निकाल। कितना? 50 रुपए। आज और कल बैंक बंद है, परसों आ जा। बैंक? तेरा बैंक कहाँ है मैं जानता हूँ, चल निकाल। कहाँ? यहाँ। अरे रेड करेगा क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया के सामने। अरे देखने देना, चल निकल निकल। औरतों की इज्जत की कोई सुरक्षा नहीं इस भारत देश में। कितना? दूंगा एक। ये लो पकड़ो, चक्कर क्या अच्छी है, बहुत भाव खा रहा है। मुझे छोड़ दो। तू क्या समझती आज मेरे हाथों से बच जाएगी? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ए इधर आ। ए चुप कर। मेरे घोड़े भैया, मुझे कुछ मत करो। मुझे भैया नहीं संया बोल। मुझे छोड़ दो। पहले काम होने दे। राजकुमारी कुछ मत करो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में। तुमने ये तस्वीर क्यों निकाली? घर की सुंदरता बिगाड़ रही थी। सुंदरता घर में नहीं, इंसान के दिल में होनी चाहिए। देखो मेरे बारे में तुम ठीक से नहीं जानती हो, शराफत से इस तस्वीर को वहीं लगा दो।
जिस घर में चार लोग आते जाते हैं वह एक मरे हुए आदमी की तस्वीर किस लिए? यू बात बात पे भाभी और बच्चों का तुम अपमान करती रहती हो, वो मैंने सहन कर लिया, लेकिन एक मरे हुए इंसान का अपमान करोगी तो मैं तुम्हें क्या करोगे? जान से मार डालूंगा। शट अप। यू शट अप। राजा सुनिए जी, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारा भाई मुझे धमकी दे रहा था और इन्होंने ही उसे पट्टी पढ़ाकर मेरे पास भेजा। तुम सिर्फ मेरी बीवी हो। लेकिन ये सब मेरी जिंदगी है। शराफत से यह तस्वीर वहां ले जाकर ना लगाई तो जो काम मेरा भाई करने वाला था वो मैं खुद करूंगा। इसे वहां लगाओ। सॉरी भैया। नहीं छोटे, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। डैडी, उन्हें उन कंगालों से अलग करने के लिए आपने मुझे वहां भेजा या उनके हाथों मार खाने के लिए? वो सब सेंटिमेंटल फूल्स हैं बेटी, इसे तुम्हारे पति को उनसे अलग करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये अब मैं जान गया हूँ। पता नहीं डैडी, पल भर के लिए तो वो मेरी बात मान जाते हैं लेकिन सुबह होते ही भूल जाते हैं। सेंटिमेंट की यही तो एक प्रॉब्लम है बेटी। तुम एक काम करो, उनकी बात इस पुलिस दिमाग पर छोड़ दो, उनकी खबर मैं लेता हूँ। सदन वाले आपके होम मिनिस्टर बनने के मौके पर आपका सम्मान करना चाहते हैं। भाड़ में जाए उनका सम्मान। मैं थर्ड से वहाँ जाऊंगा तो मुझे एक सस्ती शाल ओढ़ा के मेरे सर पे टोपी पहना देंगे। अरे कुछ नकद की बात है तो बोल। सेंट्रल जेल में पड़े किसी को पैरल पर छुड़ाने की अर्जी आई है। ये पैरोल वरोल का धंधा हमें नहीं चाहिए भैया। हाल ही में वो रेप वाले लड़के को दिलाया और मैं फंस गया। सर सर, ये 4 लाख देंगे। कितना? 4 लाख। तो उनसे कहो कि हंसते खेलते 4 लाख जुर्म करें, खुशी खुशी दस्तखत करूंगा। हम छोटा या बड़ा? बड़ा ही कीजिए। वो बंडल खोलो। किसी परमेश्वर और कमलेश्वर ने मिलके अपने एसपी मेहरा के मदद से किसी रघुराम को जान से मार दिया है, उसे कुछ लोगों ने देखा है, सबूत के तौर पर ये तस्वीरें भेजी हैं। हाँ, पता नहीं कौन लुच्चा लफंगा परमेश्वर। परमेश्वर? जी हाँ, अपना परमेश्वर। जी हाँ, वही। अरे लाटरी लग गई। अरे ला 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 ला। हेलो, तुम्हारे लिए। होम मिनिस्टर शंभुनाथ पीकिंग। उस तरफ कौन पीकिंग? मैं परमेश्वर बोल रहा हूँ शंभुनाथ। बोलो क्या काम है? तुम्हारा कोई भी काम अब नहीं होगा, तुम्हारा पूरा खेल खत्म होने वाला है। किस जेल में तुम्हें फांसी लगेगी, कौन सा जल्ला चाहिए, अभी से फैसला कर लो। ए, मजाक करना बंद करके बात क्या है बताओ। बात क्या है बताऊं? अच्छा, एकदम गाढ़ा दूध है मेरा, हजम कर सको तो ही पीना। गाढ़ा दूध सिंगल क्या, डबल भी दोगी तो मैं हजम कर लूंगा, मुझे कमर समझना। ये ले अपना माल। अरे देना। मिस्टर नारायण, आप, तुमने किसी के मर्डर के बारे में होम मिनिस्टर को पिटीशन दिया था ना? हाँ। उन्होंने फौरन तहकीकात करने का हुक्म दिया है। कल सुबह 11:30 बजे सारे सबूत के साथ सरकारी गेस्ट हाउस में आ जाना, होम मिनिस्टर साहब खुद वहाँ मौजूद रहेंगे। होम मिनिस्टर शंभुनाथ जी, आप इतने बड़े आदमी हैं, हम छोटों की फरियाद सुनेंगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज से मैं गली में लगे आपकी तमाम पोस्टर फाड़ के अपने घर में रख के पूजा करूंगा। बोलो स्वतंत्र भारत की जय। होम मिनिस्टर शंभुनाथ जिंदाबाद। क्या लफड़ा है? लफड़ा नहीं यार, अपने राजा के भैया के मर्डर के बारे में अर्जी दी थी ना। हाँ? गृह मंत्री ने बुलाया है। तू सच कह रहा है? लक्ष्मी, रेशम की साड़ी और गहने पहनकर माथे पर सिंदूर के साथ तुम साक्षात महालक्ष्मी लगोगी। Thank you.
चलती हूँ डैडी। यहाँ तक आके दामाद जी से नहीं मिला तो वो रुक जाएंगे। चलो मैं भी चलता हूँ। सुनो गाड़ी रिवर्स ले लो। जी अच्छा। उन्हें बाहर निकालने का सुनहरा मौका इसने खुद हमें दिया है। मतलब? तुम बच्ची हो, नहीं समझोगी। तुम ऊपर जाके अपने शौहर को नीचे लाओ, या मैं देख लूंगा। जाओ। ए, इधर आ। देखा आपने अपनी भाभी की रासलीला? ए, कौन है तू? साहब तुम हो? माफ कर दीजिए। पति के गुजरने के बाद अपनी मांग का सिंदूर मिटाने वाली औरत को तो मैंने देखा है, लेकिन यार को कमरे में बुलाकर अपनी मांग भरने वाली औरत को आज पहली बार देख रही हूँ। मैं तुम्हें अपनी भाभी की तरह नहीं, माँ से भी ज्यादा प्यार किया था, लेकिन जब माँ कोई गलत काम करती है तो कोई भी बेटा बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ इज्जतदार रहते हैं, तुम लोगों को कहाँ रहना है खुद ही फैसला कर लो। कलेक्टर साहब, माननीय जज की हैसियत से फैसला सुनाने से पहले इंसान बनकर जरा सोच के देखिए, आज तक मिलजुल के रहने वाले हमारे परिवार का एक एक सदस्य कैसा है ये जानकर बात कीजिए। आंखें धोखा खा सकती हैं, दिल नहीं। दिल से पूछिए अपने भाभी के बारे में। क्या पूछना? माथे के ये सिंदूर सच नहीं, रेशम के रंगीन साड़ी सच नहीं, या मेरी आंखों के सामने इनके कमरे से भागने वाला वो आदमी सच नहीं? ये सब वहम है, तो क्या इनकी अग्नि परीक्षा लेनी होगी? उस युग के रामायण में सीता मैया की ऐसी परिस्थिति में राम ने शक किया था, लेकिन लक्ष्मण ने शक नहीं किया। दादी माँ, तुम लोग अंदर जाओ। चीची, ये चीची किस लिए? तुम्हारे भैया के बाहर निकल जाओ कहने के बावजूद जाने का नाम नहीं ले रहे बेशरम। शर्म, ये शर्म अगर तुम में और तुम्हारे बाप में होती तो हम लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए ये घटिया नाटक नहीं करते। अपनी बड़ी भाभी की काली करतूतों पर पर्दा डालना चाहते हो? नहीं, छोटी भाभी की इज्जत कैसे बचाऊं यही सोच रहा था। मेरी क्या बकरे हो? भागने वाले उस पुलिस वालों को लाकर अपने भैया के सामने खड़ा कर देता तो उनकी नजर में तुम्हारी इज्जत का क्या होता, जरा सोच कर देखो। तुम बाप बेटी चाहे कुछ भी कर लो, हमारे परिवार को तोड़ नहीं सकोगे। ये मेरा चैलेंज है, जाके बोल दो अपने बाप से। तेरी ये मजाक? मेरा ये चैलेंज अपने बाप से नहीं, उसके भी बाप से जाके बोल दो। इतना घमंड ये सिर्फ तुझ में नहीं तेरे पूरे परिवार में है, इसीलिए तो ना जाने तेरे बड़े भाई ने ऐसा क्या किया जो बीच सड़क पे चाकू भोंक के उसका खून कर दिया गया। क्या बोल रही हो? मेरे बड़े भैया का बीच सड़क पर चाकू भोंक कर उसका खून कर दिया। गुरुजी, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे उस ड्राइवर नागेंद्र के सेल की चाबी चाहिए।
चाबी क्या चीज है, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अरे सुनो, नागेंद्रा के सेल की चाबी ले आना। तुम्हें से राजेश कौन है? जी मैं हूँ, नमस्ते। तुम लोगों के हाथ में ये फाइल कैसी? ये हमारे सर्टिफिकेट है, जब मंत्री जी से मिल ही रहे तो सोचा अपनी नौकरी के लिए बात कर लेते हैं। जी सर, हमारे रिज्यूम देख लीजिए सर। अच्छा, तुम सब यहीं बैठो, तुम मेरे साथ आओ। राजेश, ऑल द बेस्ट। थैंक यू यार। मैं सब कुछ बता देता हूँ, मुझे मत मारो। तुम आ जाओ। सर, वो दोनों अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? मंत्री जी इंक्वायरी कर रहे हैं, देर तो लगेगी। बैठ, तू आ जा। चुप खड़ी है, काम हो जाएगा पक्का। ए, अगर इसके अंदर जान बची है तो निकाल। ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ? नारायण, 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 ये सब किसने किया? नारायण, ये सब किसने किया? राजा, तुम्हारे भैया को परमेश्वर और उसके भाई कमलेश्वर ने मिलके मारा, और उसमें एसपी मेहरा का भी हाथ है। तो फिर ये बात तुमने आज तक मुझे बताई क्यों नहीं? जोश में आके तुम कोई गलत कदम ना उठाओ, इस डर से नहीं बताया। राजा, जो वारदात हुई उसके लिए इंसाफ मांग के गृह मंत्री को अर्जी दी थी हमने। एक कारी के लिए हम सबको वहां बुलाकर वो लोग हमारे सभी दोस्तों को। नारायण, परमेश्वर, कहाँ है परमेश्वर? मैं नहीं जानता। बोल। परमेश्वर कमलेश्वर दोनों पुलिस स्टेशन गए हैं।
सही वक्त पर तुम वहां नहीं थे एसपी, लेकिन भाई ने ठिकाना लगाया उन चारों को। ये कौन आ रहा है? अरे ये तो मौत का सरदार बन गया। देखते क्या हो, खत्म करो। इसे मत मारिए। तुम्हारा रिश्तेदार इसलिए? नहीं, अभी तक जिन जिन को आपने मारा है उसे आपने नहीं मारा है ऐसा साबित करना है, तो इसे मत मारिए। ये क्या पहेली है? यही मेरा स्टाइल है। ओके। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, कटघरे में जो मुलजिम खड़ा है वो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दामाद का छोटा भाई। आवारों की तरह घूमने वाला ये शख्स दिन दहाड़े शराब के नशे में अपनी टैक्सी को तेज रफ्तार से चलाकर न सिर्फ पुलिस स्टेशन का सर्वनाश किया बल्कि अपने भोले भाले चार जिगरी दोस्तों की मौत का कारण भी बना। इससे संबंधित सभी एविडेंस पर गौर करने की अदालत से दरख्वास्त करता हूं। प्रसिद्ध। मैं जो कुछ भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं ब्रेक इंस्पेक्टर हूं। किसी भी गाड़ी का ब्रेक काम ना करने की वजह से एक्सीडेंट होता है या फिर जानबूझकर अपने फायदे के लिए एक्सीडेंट करवाया जाता है, इसकी जांच करने में मुझे 10 साल का अनुभव है। कटघरे में खड़े व्यक्ति की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कार एक्सीडेंट होने के बाद 5 लोगों को हमारे हॉस्पिटल लाया गया था। उनमें से 4 लोग पहले से ही मरे हुए थे। जो जिंदा था वो व्यक्ति वही है जो इस वक्त कटघरे में खड़ा है योर ऑनर। इनका ट्रीटमेंट करते समय और उन चारों के पोस्टमार्टम के दौरान एक बात साफ साफ सामने आ गई है कि ये 5 नशे में थे। इस कदर पीने के बाद गाड़ी चलाना बिल्कुल जायज नहीं। एक्सीडेंट तो होना ही था तो हो गया। योर ऑनर,
मुलजिम के इस खौफनाक काम पर रोशनी डालने वाली इन तस्वीरों को मैं अदालत के सामने पेश कर रहा हूँ, और ये सब वारदात मेरी आंखों के सामने हुई है, इसलिए मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। आप खुद देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या सफाई देना चाहेंगे? मिस्टर जस्टिस, ये सब झूठे सबूत हैं, ये सब फरेबी हैं, मैं इन्हें मार डालूंगा, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं इन्हें मार डालूंगा, I'll kill them! ऐसे नहीं छोड़ूंगा, कमीने, छोड़ूंगा, मार डालूंगा इसे, छोड़ो मुझे, छुट्टी तो नहीं देते हो, छोड़ो जानते बड़े भैया ये। मुकदमे के दौरान भरी अदालत में मुलजिम राजा ने गवाहों पर और पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला किया और तोड़फोड़ की, इसलिए यह मुकदमा अगले महीने के 5 तारीख तक मुलतवी किया जाता है। तब तक मुलजिम को सख्त निगरानी के बीच सेंट्रल जेल में रिमांड पर रखने का यह अदालत हुक्म देती है। आगे नहीं बढ़ना। गेट बैक आई से। राजा, राजा, डोंट बी सिली। कूल डाउन राजा, हियर मी प्लीज। जाओ, सब यहाँ से जाओ, जाओ, प्लीज गेट बैक आई से। राजा, नो, कानून का अपने हाथ में मत लो। कम ऑन, कम ऑन, मेरी बात सुनो। तू चुप रह कमीने। चल मेरे साथ, चल, चल। ड्रॉप द गन, ड्रॉप द गन। कम ऑन, नो। भैया हमारा पीछा मत करना, प्लीज गेट बैक। जल्दी बैठो। जल्दी जल्दी चलाओ, बने कमान पास। संभाल के।
कम ऑन, ये हथकड़ी तोड़ो। थैंक यू। अच्छा, ये रिवॉल्वर किसकी है? ये मेरी है। और ये जीप? ये भी मेरी है। तुम्हारी? रहने का ठिकाना नहीं, ये सब कहां से आया? दोनों मेरे बाप के हैं। तुम्हारा बाप? जानते हो मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर की बेटी हूं। परमेश्वर की बेटी? पर ये बात तो कभी बताई नहीं। बताने के लिए कोई फक्र महसूस करने वाली बात है? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। मेरी माँ ने उसे अपना पति माना था, लेकिन उसके लिए मेरी माँ सिर्फ एक रखेल थी। जब मेरी माँ गर्भवती हो गई, तब इज्जत की खातिर उससे शादी की बात की, उसने उन्हें ठुकरा दिया। मेरे जन्म होने के बाद मुमकिन है उसका मन बदल जाए, इस उम्मीद पर उन्होंने मुझे जन्म दिया। मेरी माँ उसके पैर पड़कर गिर गिराई। जिंदगी भर मेरी माँ उसे सताती न रहे, इसलिए उसने उन्हें मार दिया। मेरी माँ के मरने के बाद उसने मुझे सड़क पर छोड़ दिया। तो क्या तुम अपने बाप के पास जाने की उम्मीद रखती हो? नहीं, बेटी होने के नाते मैं उसे अपनी माँ के पास भेजना चाहती हूँ। उससे टक्कर ले सके ऐसे मर्द की तलाश थी। वो मर्द तुम ही हो, ये मैं जान गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी। हमेशा हंसते खेलते रहने वाले तुम्हारे दिल में इतना बड़ा ज्वालामुखी है।
टप टप टपोरी कन्या कुमारी टप टप डबोरी मैं तेरा पुजारी हाय टप टप टपोरा कीते ना ढिंढोरा टप टप टपोरा तू दे का लुटेरा टप टपोरी कन्या कुमारी टप टपोरी मैं तेरा पुजारी टप टप टपोरा कितना ढिंढोरा टप टप टपोरा तू देखा लुटेरा मेरी मधुबाला अरे मोतियों की माला तेरे लिए मैं मंगवा डाला टप टप टपोरी कन्या कुमारी टप टप टपोरी मैं तेरा पुजारी किस लिए आए हो मुझसे मदद मांगने आए हो कानून से इंसाफ और तुमसे अपने घर के लोगों को बचाने के लिए मैं आया हूं मुझ जैसा एक जिम्मेदार कलेक्टर तुम्हें यहां से बचने देगा ये कैसे सोच लिया तुमने आंखों पर पर्दा डालकर तुम गलतफहमियों के शिकार हो गए हो इस वक्त तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है तुम मुझे रोक नहीं सकते शूटेड साइट ऑर्डर देने की वजह से तुम्हें बहुत मान मर्यादा मिली है अगर कानून के लिए तुम भाई को गोली भी मार दो तो तुम्हें गोल्ड मेडल मिल सकता है परिस्थिति कुछ और होती तो वो मेडल पाने में मैं तुम्हारी मदद करता लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से मैं मजबूर हूं मेरा काम होने तक कोई बुलेट मुझे नहीं मार सकती जब एक खूनी मेरे सामने खड़ा हो और वो चाहे मेरा भाई ही क्यों ना हो उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता खूनियों से बदला लेने में अगर सगा भाई भी आड़े आए तो मुझे कोई फर्क नहीं भैया मुझे जाने दो क्यों क्यों जाने दो बाकी लोगों का खून करने चल नो अभी पुलिस को लाता हूं भैया प्लीज राजा मेरी बात सुनो रुक जाओ भैया मारना चाहते हो मुझे मारोगे मारो मारो भैया मारो नहीं भैया मारो भैया Oh!
मुझ पर हाथ उठाता है। तुझे तो राजा रुक जाओ। जल्दी बैठो। ये बताओ वो तस्वीरें कहाँ पर हैं? अरे भैया मुझे बेवकूफ समझाए क्या? ऑफिस में रखने से खतरा है इसलिए मैं अपने घर में जहाँ रखना है वहाँ रखा है। दरअसल बात यह है कि मैं कहाँ रखा हूँ मैं खुद भूल गया। भूल गए? वो राजा बड़ा खतरनाक आदमी है, कभी भूले भर के वो तस्वीरों की फाइल उसके हाथ लग गई तो। मेरे भाई को मारते समय खींची गई तस्वीरों की फाइल कहाँ है? बोल दिया ना, मैं नहीं जानता। तू और तेरा होम मिनिस्टर दोनों 420 हैं। ये जानकर ही मैं तुझे यहाँ लाया हूँ। बोल वो फाइल कहाँ है? होम मिनिस्टर ने कहाँ रखा वही जाने, मैं नहीं जानता। नहीं जानता? तू अपनी ही गाड़ी से कुचल के मरेगा ये तूने कभी सोचा भी नहीं होगा ना? करेक्ट। नो नो नो, मैं बताता हूँ, मुझे मत मारो। मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बता दूंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नो नो, मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। नो नो नो, मैं बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। भैया
स्वागतम सुस्वागतम। आपने सारी दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि फर्ज के सामने खून की भी कोई कीमत नहीं। आपके लिए इन दोनों महान भाइयों द्वारा आयोजित इस समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है। भैया हेलो। मैं जानता था कि तुम जरूर वहां पर मिलोगे, क्योंकि तुम अंतर्यामी से ज्यादा हो और यमराज से कम हो। तुम गलत हो। तुम लोगों ने मेरे बड़े भैया को कैसे मारा वो उन तस्वीरों में देखने के बाद मैं हैवानों से कम और जानवरों से बढ़कर बन गया हूँ। सबूत हाथ लग गया, इसलिए ज्यादा मत फुदक। इस वक्त तेरा कलेक्टर भाई मेरे पास है, अभी अभी फूलों के हार से सम्मान किया और अभी यहाँ खाना खा रहा है। अगर मेरी बात ना मानी तो बाकी बचे फूल उसकी लाश पे डाल दूंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। पहले दूध पीने की आदत डाल। तुझ जैसे बच्चों के सामने परमेश्वर कभी सर नहीं झुकाएगा। पैसों के लिए एमएलए इंदुमती को मार दिया, उसका चश्मदीद गवाह होने के नाते तुम्हारे बड़े भाई को ऊपर भेजना पड़ा, उस वारदात की तस्वीर खींचने वाले तुम्हारे दोस्तों को भी खत्म कर दिया। शराफत से उन तस्वीरों को मेरे हवाले करके अपने भाई को बचाओगे या दोनों मरना चाहोगे, खुद ही फैसला करना। आधे घंटे का मोहलत देता हूँ। पूरा सुन लिया? बास्टर्स, तुम्हारे जुल्म के बारे में जब मेरे भाई ने बताया मैंने मानने से इनकार कर दिया। जब उसने सच को साबित करना चाहा तब मैं बेवकूफों की तरह पेश आया। बड़ी खुशी की बात है। अब क्या है? एक कलेक्टर होने के नाते तुम जैसे को कैसे खत्म करना ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अभी तुम्हारा खेल खत्म कर देता हूँ। कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं है। कहा ना, कुछ नहीं है। क्यों फड़फड़ा रही है जाने मन? छोड़ दो उसे। कमलेश्वर छोड़ दो, वरना गोली मार दूंगा। तेरी ये हिम्मत कि मेरी बेटी के साथ उसे छोड़ दो। तुम तो डायबिटिक पेशेंट हो एसपी। मुझसे मिठाई खा खा के इतने कमजोर हो गए हो कि तुमसे ट्रिगर खींचा नहीं जाएगा। लाओ पंडित जी, संभालो इस खिलौने को। साहब जी, मैं एक बात कहूँ? हाँ कहो। आप डॉन से कम और पुलिस से बढ़कर हैं। शाबाश पंडित। क्यों बे एसपी, घूस को ही खुदा मानता है और हमें सवाल करने का हक है तुझे? लेकिन मुझे है। मेरे निर्दोष पति को क्यों इस तरह टॉर्चर कर रहे हो, ये पूछने का हक मुझे जरूर है। ये हक की बात कर रही है, अंदर ले जाकर इसे इसका हक दे दो कमलेश्वर। इस पर तो बहुत पहले से मेरी एक नजर थी भैया। अरे कमीनो, छोड़ो मुझे। ये जलकर भी नहीं मर रहा है, इसमें जरूर कोई बात है। जय हो नया डॉन। आग के साथ आए हो या सबूत के साथ आए हो? पता है शांति के मसीहा महात्मा गांधी को कौन सा भजन पसंद था? रघुपति राघव राजा राम। उन्हीं की याद में हमारे पिताजी ने हम तीनों भाइयों का नाम यही रखा। रघुपति को ऑलरेडी शमशान भेज चुका हूँ, राघव अंदर अपनी चिता का इंतजार कर रहा है और आग ले आने वाले तुझे। मैं आग नहीं हूँ, तुम्हारी चिताग्नि हूँ। तुम दोनों भाइयों के लिए मैंने चिता का इंतजाम किया है। उस आग के बुझने से पहले मैंने तुम दोनों भाइयों को जलाना दिया तो मैं अपने स्वर्गवासी रघुपति का भाई नहीं, फर्ज को अपना सब कुछ मानने वाले कलेक्टर राघव का भी भाई नहीं। जिस भाई की खातिर बेगुनाह होकर भी जेल की सजा काट कर आए हो उस भाई की हालत देखो। हम्म,
इन्हें मरने दोगे या सबूत मेरे हवाले करोगे? ओके। ऋतु, बदले की आग में जलने वाली अपने ही खून को तू नहीं पहचान रहा है? मेरा खून? परसों पहले जिस पार्वती को तूने नाजायज औलाद दी थी, वही औलाद आज तेरे चिता को आग देने के लिए तेरे सामने आ खड़ी है। पार्वती की बेटी है? अभी तक जिंदा है तू? तुझे भी तेरी माँ के पास भेज दूंगा। Oh, my God.
भैया इन्हें खोल दो। जल्दी जल्दी जाओ, तुम निकलो निकलो जल्दी। जाओ अब जाओ यहां से। मुन्ना तुम जाओ यहां से, जाओ मुन्ना जाओ, मेरी बात मानो, जाओ यहां से, जाओ बाहर जाओ। भैया तुम इसे मारकर अपने हाथ गंदे मत करो, इसे मेरे हवाले कर दो, इसे सही सबक मैं सिखाऊंगा। You are great. Yeah. Nirmala, ऐसे क्या देख रही हो? मैं हूँ, मुझे नहीं पहचाना? तुम हो? और जब तुम मुझे बनाता रहा, राजा, हाँ? इस लड़की का कुछ फैसला कर डालना। क्या कर डालू? इसका कुछ नहीं। दूंगा। मेरा ये हाथ देखा, कितना सख्त है, सख्त मार पड़ेगी। नहीं नहीं ये छोड़। राजा भी जरा